ये उसके सुतून हैं मस्जिद कदीम मस्जिद के, ये एक ही पीस के बने हुए हैं, इसमें जोड़ नहीं है। 327 सुतून हैं ये, और ये ज़मीन के अंदर 10-10, 12-12 फुट नीचे इसको पानी तक इसको लेकर गए हैं। इतना मजबूत तामीर है इसकी। ये 1265 हिजरी में इसकी तामीर शुरू हुई थी और 1277 में ख़त्म हुई, तो तकरीबन 125 साल हो गए। आज के माहरीन कहते हैं कि 400-500 साल तक मजीद रह सकती है, इतनी मजबूत माशाल्लाह तामीर। और इसकी मजबूती के लिए उन्होंने ये किया कि दो सुतूनों के दरमियान जो ऊपर मेहराब बनी हुई है, तो इस मेहराब को भी मजबूती के लिए इस तरीके से बनाया गया है कि सुतूनों के अंदर सुराख करके और उस मेहराब के अंदर भी शीशा भर दिया गया है, ताकि दोनों सुतून मेहराब समेत एक जान हो जाएं पूरी। तो मज़ीद इसकी मजबूती के लिए इतना उन्होंने इत्तमाम किया। और इसके जो गुंबद हैं, इन गुंबदों में पूरा कुरान लिखा गया है, और ये उसी ज़माने का लिखा हुआ है, और बाकायदा एक मखसूस सीमेंट के साथ इनको लिखा गया है। अभी इसमें जो भी इसमें कोई तजदीद होती है तो सिर्फ उसके रंग वगैरह में तजदीद होती है, लिखाई उसी ज़माने की है। और ये जो वहाँ उस ज़माने में जो सबसे बड़े इसके वो थे खिलाफत उस्मानिया में जो कातिब थे, तो उनसे लिखवाया, 3 साल में उन्होंने कुरान जीत लिखा पूरा। तो पूरा कुरान गुंबदों में लिखा हुआ है, दीवारों पे और गुंबदों में, और काफ़ी हिस्सा इसका वो है जो नज़र नहीं आता, हुजरा शरीफा की जो दीवारें हैं या उसके अंदर भी कुरान लिखा हुआ है। तो ये फूल और जो वहाँ बने हुए हैं, गुलदस्ते बने हुए हैं या लिखा हुआ, सब उसी ज़माने का है। जैसे मैंने पहले कल भी अर्ज़ किया था कि इसकी तामीर के अंदर पूरी तारीख लिख दी है उन्होंने। तो रियाज़ुल जन्ना के जो सुतून हैं, जो हिस्सा मुसक्कफ़ है उसका अलग उन्होंने निशान दिया हुआ है, सुनहरी रंग की जिसमें पट्टियाँ हैं जिन सुतूनों पर नीचे से ऊपर तक, तो वो वाले सुतून वो मुसक्कफ़ हिस्से के, यानी जिस जगह पर छत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, तो उन सुतूनों को अलग कर दिया है, उसका रंग अलग है। तो सुनहरी रंग के उसमें पट्टियाँ हैं, और जहाँ उसकी आखिरी पट्टी जो दायरा है उसके सुनहरी रंग का, यह उसकी ऊंचाई के बराबर है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में छत कितनी ऊंची थी। तो इतनी बारीकी से उन्होंने तारीख को लिखा है उन्होंने। गालिबन ये 7 सुतून शिमालन जनूबन हैं और 8 सुतून शर्कन गरबन हैं मुसक्कफ़ हिस्से के, और इसमें फिर रियाज़ुल जन्ना है। रियाज़ुल जन्ना के सुतूनों को उन्होंने सफ़ेद संगमरमर से मुमताज़ किया है। तो जहाँ तक सफ़ेद संगमरमर के सुतून है, बस वही जगह रियाज़ुल जन्ना है। और बहुत से लोग जो है वो कालीन को मियार बनाते हैं कि सफ़ेद कालीन या सब्ज़ कालीन कहाँ तक है, तो वो कालीन उसके नहीं है, असल वो सुतून है वो। तो जहाँ जहाँ भी सफ़ेद सुतून है संगमरमर के, वो हिस्सा रियाज़ुल जन्ना का है।